अभी हम आराम से 90 क्रूज कर रहे हैं और ओ भाई 0 to 100 तो सब देते हैं, मैं आपको दूंगा 50 to 120, ठीक है? हो जाए, टाइमिंग देख लेना आप लोगों में डाल दूंगा। ये देखो भाई, ये है जलवा। मैं गुस्सा हूँ यार आप लोगों से इस चीज़ में, मेरा मूड ख़राब है और लगता है कि अब इंस्टाग्राम का जो खात्मा है मैं उसको डिलीट मार दूंगा बिल्कुल। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आपका अपना बड़ी। सो आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से एक बार ही एक मोटो व्लॉग आ गया आप लोगों के लिए और उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। काफ़ी दिनों से डिले चल रहा है वीडियोस का, काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही हैं, काफ़ी टाइम से बहुत बिजी चल रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो शूट करने का। बहुत टाइम से प्लान करता हूँ कंटेंट शूट करने की, बट लास्ट वो जो आपका एवेंजर वाला जो वीडियो आया है मेरा मेरे चैनल पर, उसके बाद से कोई भी वीडियो नहीं आया है। और एक अपडेट और देना है आपको, अपडेट ये है कि हमारी एवेंजर स्ट्रीट 160, हमारी पैंथर, उसकी डील हमने कैंसिल कर दी है और वो जो हम उसको बेचने का सेल करने का प्लान बना रहे थे वो कैंसिल कर दिया है ड्यू टू सम रीजंस, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो मैं तो बहुत खुश हूँ कि एवेंजर की जो डील थी वो कैंसिल हो गई और अब फाइनली अपने पास अपनी दोनों गाड़ियाँ हैं। क्योंकि ऑनेस्टली बताऊँ मैं खुश तो था नहीं, उसको सेल कर रहा था, मन में कहीं ना कहीं एक डाउट तो आ ही रहा था, बट अब वो डाउट भी चला गया बिकॉज डील ही कैंसिल कर दी तो डाउट कैसा। तो ये है अपनी लोकेशन जहाँ हम अभी शूट करेंगे। अब देखते हैं, शूट तभी हो पाएगा जब लोकेशन खाली मिलेगी, आसपास कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बिकॉज यार डिस्टर्ब करने वाले थोड़ा सा यहाँ पे ना सीन हो जाता है, डिस्टर्ब करते हैं लोग। अब देखते हैं आगे, अगर आई थिंक खाली नहीं है, ट्राई करते हैं। यहाँ तो आज शूट नहीं हो पाएगा भाई, यहाँ तो सीन खराब है। तो चलो कोई बात नहीं, शूट चलते चलते भी कर सकते हैं, बातचीत आप लोगों से चलते चलते भी हो सकती है। मेरे पास सिमटेक का 1000 फ्लैशर रखा हुआ है जो कि मैंने एवेंजर में लगवाया था, दूसरा मेरा 1000 फ्लैशर था, बट मैंने अभी जब वो बाइक मैंने बिल्कुल स्टॉक करी थी तो मैंने उस टाइम उसको निकलवा दिया था, बिकॉज अराउंड मेरे को 1200 रुपये करीब का पड़ा था विद बटन वगैरह सारी चीज़ों के साथ। तो मैंने सोचा कि इसमें इंस्टॉल करवा दूंगा, तो अभी देखते हैं, बाइक एक्सपर्ट चलते हैं, वहाँ पर अपना एक भाई है और उससे बात करेंगे, अगर वो फ्री होगा तो उससे इंस्टॉल करवा लेंगे। बाकी 2023 में RS 200 अभी भी काफ़ी आउटडेटेड चल रही है, लेकिन काफ़ी लोगों की अभी भी ड्रीम बाइक रहती है। और वहीं बात करें R15 की और आपका M हो गई या V4 हो गई, तो उसके लिए तो भाई तगड़ा कंपटीशन मार्केट में आ गया है। हीरो की आपकी फाइनली करिश्मा आ गई है, वो बात अलग है, इंजन सेगमेंट इंजन कैटेगरी अलग है। ज़रा मेरे कॉल आ रहा है, मैं अटेंड कर लूँ। सो सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था, पिक करना पड़ गया। सो बात कर रहे थे हम 2023 में RS 200 के लिए कॉम्पिटिटर की, और 200 कैटेगरी में फाइनली अपने पास अब हीरो की करिश्मा आ गई है और XMR जो कि काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ मिल जाती है। वहीं अगर उसका कंपैरिजन R15 V4 या M से करेंगे, अभी भी कुछ चीज़ों थोड़ा सा पीछे है हल्का सा, बट ओवरऑल जो लुक्स उसमें दिए गए हैं और जो भी चेंजेस हैं अपग्रेड्स हैं काफ़ी सेटिस्फाइंग है, मतलब आप लोग डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। और जो उसकी प्राइसिंग निकाली गई है अराउंड 174 और 178 के अराउंड, तो वो भी काफ़ी डिसेंट है, मेरे को ऐसा ज़्यादा नहीं लग रही है, और आई थिंक ऑलमोस्ट वो ऑन रोड आपको 190 के आसपास देखने को मिल जाती है, और अराउंड उसमें 3 कलर स्कीम्स भी मिल जाती हैं, सो जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो फिलहाल
अभी हम चल रहे हैं कमला नगर की साइड और वहाँ पे चलकर देखते हैं क्या व्यवस्था होती है, क्या अरेंजमेंट है भाई। और आज हम जो ये शूट कर रहे हैं, रक्षाबंधन भी है ऑफिशियली, या ऑफिशियली मान ली 31st है आज, तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और उम्मीद करता हूँ सबने अपनी बहनों को अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए होंगे, बाकी मेरी तो कोई बहन है नहीं, तो यही सीन है। और बताएं अपने बारे में, बाकी आज काफ़ी दिनों के बाद अपनी बेबी चला रहे हैं, अपनी पल्सर RS 200 चला रहे हैं, तो इसको चलाकर एक एड्रेनलिन रश अलग ही लेवल का हो जाता है और दिल प्रसन्न हो जाता है इसको चलाकर। जब भी चलाओ एक अलग ही बूस्ट मिलता है, एक अलग ही पावर फील होती है, क्योंकि इसका कोई कंपैरिजन किसी भी मशीन से नहीं है। अलग ही लेवल है, अलग ही फील है और एक अलग ही एक्साइटमेंट फील होता है इस बाइक को चलाकर। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब ये बाइक मैंने पहली बार चलाई थी सो मुझे, मैं अपनी बाइक की बात नहीं कर रहा, मैं रैंडम RS 200 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे इतनी पावर की आदत नहीं थी और मैंने बस इसका एक्सेलरेटर पुल करा तो पुल करते ही इतना ज़बरदस्त प्रेशर फील हुआ, इतनी ज़बरदस्त पावर फील हुई। और मैंने यहाँ पे एक्चुअली अपने नेक के अराउंड अपनी टी शर्ट में शेड्स लगा रखे थे, तो वो शेड्स उड़ गए और मेरा नुकसान हो गया अराउंड 1200 रुपये का, क्योंकि मैं इतना खो गया इसकी पावर में, इतना मस्त हो गया कि मुझे अपने चश्मे का ही ध्यान नहीं रहा कि मेरे ग्लासेस कहाँ गए। तो चलिए कोई बात नहीं, नुकसान तो नुकसान और फ़ायदा तो लाइफ का पार्ट रहता है। तो अभी हम जा रहे हैं कमला नगर की साइड और वहाँ पर 1000 फ्लैशर इंस्टॉल करा लेंगे अगर शॉप ओपन होगी तो। और अब देखते हैं, गोप्रो की बैटरी भी अराउंड 59% के आसपास थी, बिकॉज अराउंड एक महीने से तो ये गोप्रो मेरा एज इट इज़ रखा ही हुआ है, और रखे आई थिंक इसकी बैटरी अलग रखी हुई थी, सो मुझे नहीं पता था कि रखे गोप्रो की बैटरी अगर अलग भी रख दोगे तो बिल्कुल डेड हो जाती है, या मतलब ड्रेन हो जाती है, तो वो ड्रेन हो गई। बाकी अभी ऑडियो क्वालिटी के बारे में बताइएगा कि मेरी ऑडियो क्वालिटी आप लोगों को कैसी आ रही है, बिकॉज अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ओनो का माइक विद गोप्रो हीरो 9 के सेटअप के साथ, और जब तक ये व्लॉग आ रहा है आई थिंक उससे पहले शायद SD Cam का रिव्यू आ चुका होगा या फिर इसके बाद आ जाएगा, बिकॉज मेरे पास SD Cam Legend 6 भी है, तो उसका एक रिव्यू मैं शूट भी कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम का डिले हो रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बाकी इसकी सर्विस भी करानी है, ऑयल मैंने मंगवा लिया है मोटूल का, और टाइम मिलते ही इसकी सर्विस कराएंगे, टाइम का ही शॉर्टेज है। और एक चीज़ और, इसके स्पार्क प्लग में भी प्रॉब्लम है, सो हम तीनों स्पार्क प्लग को चेंज करा देंगे, बिकॉज इसकी टॉप स्पीड वैसे तो अराउंड 161 तक जाती है, अभी आपको ब्लॉग में अपनी बेबी भी दिखा देंगे कि बेबी की कैसी करंट कंडीशन है, अभी मैं रिसेंटली कवर भी परचेज करा था, तो अच्छे से कवर करके रखा। और आगे देखो छोटू उस्ताद जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्यूट क्यूट बच्चे, और हमें लेना पड़ेगा नीचे से राइट। This machine gives you wings, यार मतलब सीरियसली अलग ही फील है।
पे जाना है उस साइड को आई थिंक। हाँ सब बंद है यार, शिट हो गया जी पोपट, सब बंद है और पोपट हो गया। RS 200 का साउंड अपने आप में ऐसा है ना कि इसमें किसी भी एग्जॉस्ट की ज़रूरत नहीं है, इसका साउंड इतना प्यारा है। बाकी जो लोग मॉड्स कराते हैं उनको तो सैल्यूट है ही, क्योंकि उसके बाद तो बाइक का साउंड नेक्स्ट लेवल हो जाता है। बाकी हमने भी सोच रखा है कि एक्रा पब्लिक का एक एग्जॉस्ट लगवाएंगे इन फ्यूचर, हो सकता है बहुत जल्दी लगवा लें, थोड़ा सा बजट भी थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे अपना। और यार आप लोगों को थैंक यू करने का दिल कर रहा है, और मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ पर्सनली, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक प्यार दिखाया है अपना, काफ़ी सपोर्ट करा है, और लास्ट 2-3 वीडियो से थोड़ा सपोर्ट की कमी हो रही है, बट ओहो जाम है भाई। तो RS 200 को ट्रैफिक में लेकर घुसना भाई सीरियसली ख़तरनाक है, थोड़ा सा भाई यहाँ से कट लो बस पतली गली से, बिकॉज ट्रैफिक में फंस गए तो पोपट ही पोपट है, भूमपट भूमपट भूमपट। तो ये ब्लॉग आप लोगों के लिए होने वाला है एक थोड़ा सा RS 200 का राइडिंग एक्सपीरियंस और थोड़ी सी मन की बातचीत आप लोगों से करनी थी। बाकी कोशिश पूरी है टाइम को मैनेज करें और कंटेंट रेगुलर डालें, बिकॉज मेरी फुल कोशिश रहती है कि मैं कंटेंट को इम्प्रूव करूं और रेगुलर रहूं, रेगुलरिटी मेंटेन करूं, बट कैसे ना कैसे करके मैं चीज़ों में फंस जाता हूं और वो सारी चीज़ें हो नहीं पाती। तो देखते हैं इसका कुछ सलूशन निकालेंगे, थोड़ा काम को भी मैनेज किया जाएगा कि उसी के अकॉर्डिंग स्केड्यूल करा जाए और सारी चीज़ें मैनेज करी जाए। तो अभी हम आराम से भाई कैसे चलाते हैं यार, कैसे भी कट मार देते हैं आदमी, मतलब सीरियसली यार इंडियन रोड्स पे। आप ये मान लो कि जब आप RS 200 लेकर चल रहे हो या डोमिनार 400 लेकर चल रहे हो, जब इस मशीन को हैंडल करना मुश्किल है, तो जब आप एक सुपर बाइक ओन करोगे 1000 cc की बाइक ओन करोगे, उसको चलाना कितना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कोई भी कहीं से भी आ जाता है और आप किसी से कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जिससे बोलोगे वो अपनी गलती नहीं मानेगा और सामने वाले की ही गलती ठहराएगा। तो हमें खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ता है और खुद ही सेफली चलाना पड़ता है। सो काम तो नहीं हो पाया, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसका, थोड़े बहुत मॉड्स का कि अपकमिंग जो भी मैंने मॉड्स कराए हैं इसमें, मतलब जो भी मैंने मॉड्स करा रखे हैं अभी तक और जो भी कराऊंगा उसका एक ब्लॉग बनाऊंगा डेडिकेटेड आप लोगों के लिए। तो उसमें सारी चीज़ें कवर अप करेंगे विथ प्राइजिंग, और इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय RS 200 इन 2023, सो आप लोग भी ये मॉड्स करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये मशीन अपने आप में बहुत खूबसूरत है, और बजाज की फैक्ट्री में, बजाज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक ये अपने आप में एक ऐसा आप बोलोगे अजूबा है कि आई कैचिंग मशीन है। और जब ये लॉन्च हुई थी इसके मैंने ट्रेलर और वीडियो जो भी देखे थे तो मैं सच में फिदा हो गया था। वो बात अलग है, तब हमारे पास बजट नहीं था तब हम ले नहीं पाए, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए सपोर्ट हुआ, सो अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से, सपोर्ट से, भगवान जी के आशीर्वाद से, सपोर्ट से अपना ये ड्रीम पूरा करा।
और आज आप लोगों के सामने चला रहे हैं RS 200, आप लोगों से बातचीत करते हुए। और भाई ये सीन है आज आगरा का रक्षाबंधन के दिन पर, आप लोग देख लो। तो भाई गाड़ी वालों के लिए तो आज रोना है सीरियसली, क्योंकि तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, ये देखो आप पूरे में ट्रैफिक ही ट्रैफिक, भाई कितना रश है। और देखो यार क्या सीन हो रखा है यहाँ का SRK मॉल का, और लिटरली भाई जगह नहीं है यहाँ पर। आप यहाँ से थोड़ा सा एक, अभी देखो अभी मैं इसको करूँगा बिल्कुल ख़त्म मोड पर, मतलब बोले तो ज़ीरो मोड पर इसको लेकर जाऊँगा। और अब मैं आप लोगों को इसका एक बारी 0 to 100 तो सब देते हैं, मैं आपको दूंगा 50 to 120, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अभी इस रोड पे तो नहीं, थोड़ा आगे की तरफ फ्री होंगे, कोशिश करेंगे अगर यहाँ कर पाएंगे तो यहाँ करेंगे, वैसे पॉसिबल नहीं है, ट्रैफिक बहुत है, ट्रक्स हैं बसेस, तो थोड़ा ध्यान भी रखना है ये ब्लॉग, क्योंकि फैमिली भी देखती है। और चलो निकालें क्या, बाकी GoPro का मेरे को अंदाज़ा नहीं है GoPro कब तक साथ देगा, अगर वीडियो एंड हो जाता है बीच में मैं एंड ना कर पाऊँ तो समझ जाइएगा कि GoPro ने हक दिया। बेचारे की क्या गलती है यार, एक महीने से रखा हुआ है, तुम ध्यान नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। और अब एक बार हो जाए, टाइमिंग देख लेना आप लोगों में डाल दूंगा। ये देखो भाई ये है जलवा, एक तो इतने दिनों बाद चला रहा हूँ ना आज, तो सीरियसली अलग ही फील है। तो एक बार इस साइड से रोक कर आप लोगों को प्यार से अपनी बेबी का एक बार व्यू देते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से कोई शॉट भी नहीं डाला है, तो सोच रहा हूँ आज एक छोटू सा शॉट भी शूट कर लूँ, नॉर्मल सा म्यूजिक लगा कर। ओह भाई, अरे आंटी जी आराम से, चप्पल है भाई। चलो चलते हैं अपनी पुरानी लोकेशन पे, जहाँ की वीडियो को आपने सबसे ज़्यादा प्यार दिया अभी तक, 16,000 व्यूज़ हैं मेरे चैनल पर उस वीडियो पर। तो ये है वो लोकेशन जहाँ वो वीडियो शूट करी थी, काफ़ी लोगों ने मना करा भाई कहाँ शूट कर लिए कबाड़े में, बट भाई देखो जहाँ भी शूट करी व्यूज़ अच्छे आ गए। तो अब देखते हैं इसमें क्या आएगा। सो ऐसा कुछ हाल है, अभी एक महीने बाद यूज़ करने के, मतलब यूज़ नहीं करी, सो गंदी तो हो रही है, सर्विसिंग कराएंगे तो इसको साफ़ करा देंगे। बाकी अभी जब निकाली थी बस ऊपर से कपड़ा मार लिया था, क्योंकि तो जब लास्ट टाइम पार्क करी थी पार्किंग में तो कवर चढ़ा के वॉश करके पॉलिश करके पार्क करी थी, और तब से अभी तक ये कंडीशन है। सो अभी काफ़ी सारे मॉड्स कराने हैं इसमें, छोटे छोटे 1000 फ्रेशर लगवाना है, मोबाइल माउंट लगवाना है, इस वाले को चेंज कराऊँगा, क्योंकि ये एवेंजर में लगवाया था तो एवेंजर में ही लगवा दूंगा। बाकी इसके लिए अभी एक टैंक टाई भी ऑर्डर करी हुई थी, तो वो भी सोच रहा हूँ लगवा दूंगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है यार, मतलब ये टैंक पैड लगवाया था जुगाड़ ही बोल लो, बिकॉज कुछ मिल नहीं रहा था, सो मैंने सोचा इस पर लगवा दूँ, टैंक का थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो जाएगा। और बाकी यार कूलेंट भी मेरे को फुल कराना है, तो कूलेंट कम हो गया है। तो इस ब्लॉग को हम एंड करेंगे, क्योंकि काम तो अधूरा रह गया है, और अब ये कोशिश रहेगी, और मतलब फुल ट्राई किया जाएगा कि ब्लॉगिंग, मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करी जाए, और वो भी कंटिन्यूस फ्लो में स्टार्ट करी जाए विदाउट एनी ब्रेक, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एक रूटीन सेट हो जाए, चाहे मैं अल्टरनेटिवली डे बाई डे शूट करूँ, या फिर वीक में फिक्स डेट पे या फिक्स डे बनाकर शूट करूँ, लेकिन उस दिन मैं शूट करूँ, बिकॉज यूट्यूब बाबा का दिमाग फिर जाता है अगर रेगुलरली मेंटेन नहीं करो।
और भाई काफ़ी लोगों की क्वेरीज आती हैं, काफ़ी लोग सोचते हैं, मन में डाउट आता है, भैया आपकी YouTube मनी आने लग गई क्या? भाई नहीं आई है। काफ़ी लोगों को लगता है कि सभी यूट्यूबर्स तभी कोई चीज़ लेते हैं जब यूट्यूब मनी आ जाती है, तो ऐसा नहीं है। YouTube मनी नहीं आ रही है, आ जाती तो बात ही क्या थी, नहीं आ रही। बट आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हो ना, वॉच टाइम पूरा नहीं कर रहे हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने की तो इतनी कंजूसी दिखा रहे हो ना यार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मैं गुस्सा हूँ यार आप लोगों से इस चीज़ में, मेरा मूड ख़राब है और मूड नाराज़ हूँ यार आप लोगों से, टोटली सीरियसली। और लगता है कि अब इंस्टाग्राम का तो खात्मा है, मैं उसको डिलीट मार दूंगा बिल्कुल। आप लोग फॉलो ही नहीं करते हो यार, भाई रिक्वेस्ट समझ दो यार, फॉलो कर लो, इंस्टा आईडी आ रही होगी, फॉलो कर लीजिएगा। और बहुत जल्दी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं, रिव्यूज़ आने वाले हैं, और बहुत जल्दी हमारे पास हीरो की करिश्मा आ जाएगी एक्समार, तो उस पर भी शूट करेंगे और आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे कि भाई क्या तेल का मशीन है, क्या नहीं है, क्या पावर है, क्योंकि लुक्स में तो उसको मैंने 10/10 दे दी है, मेरा दिल आ गया उस बाइक पे। और बाकी फीचर्स के फीचर्स की बात करें, फीचर्स वाइज भी काफ़ी अच्छी मशीन है, बिकॉज करिश्मा का अपने आप में एक ब्रांड नेम है, मार्केट में पकड़ थी, बीच में गायब हो गई, तो देखते हैं कैसा कमबैक रहेगा। मुझे तो उम्मीद पूरी है कि जिस हिसाब से अब आई है मार्केट में तो धमाका तो मचेगा। और टेंशन की बात है RS 200 के लिए, क्योंकि RS 200 अभी भी कुछ खास कर नहीं रही है। अपडेट्स तो हैं कि बजाज कर रहा है, साइलेंटली कर रहा है काम और तहलका मचाएगा, बट ऐसा जैसा कोई पक्का अपडेट नहीं है, तो देखते हैं, लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, सो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।